दोस्तों आपका टेकी पार्टनर लेके आ गया है और एक नया वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूट्यूब में दो तरह का अकाउंट होता है, एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है ब्रांड अकाउंट। तो आज हम बताने वाले हैं कि इस दोनों का अंतर क्या है, आपको कौन सा अकाउंट चूज करना है एंड क्यों करना है, और इंटरनेट पे ब्रांड अकाउंट को लेके जो भी मिथ्स है वो उससे कैसे आपको बचना है, रियलिटी क्या है, सब मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक अच्छी तरह से देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एक ब्रांड अकाउंट क्या होता है। दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपका अकाउंट पर्सनल अकाउंट से ब्रांड अकाउंट पे मूव करते हो तो क्या क्या फायदा है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है उसका। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जब भी आपका यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो पहली बार के लिए तो आपके स्क्रीन पे एक ऑप्शन आता है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम देने के लिए जब आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो, तो वो होता है आपका पर्सनल अकाउंट। लेकिन उसके ठीक नीचे ही एक ऑप्शन रहता है कि क्रिएट ए बिजनेस अकाउंट और अदर अकाउंट। तो उससे क्या होता है, आप वहां से आपका जो ब्रांड अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हो, चाहे तो उसके बाद भी आप एक न्यू चैनल क्रिएट कर सकते हो जो आपका ब्रांड चैनल होगा, क्योंकि एक ईमेल आईडी से एक ही पर्सनल अकाउंट होता है, लेकिन मल्टीपल आप ब्रांड अकाउंट कर सकते हो। अब बात आती है कि ब्रांड अकाउंट क्या है और उसको हम क्यों यूज करें। ब्रांड अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट में ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ यही है कि आप जो आपके ईमेल आईडी पे लॉगिन करते हो पासवर्ड देके, उससे आप जो अकाउंट एक्सेस कर सकते हो, कोई और बंदा उसको आपका जो यूट्यूब चैनल है उसको एक्सेस करना चाहे तो उसको भी आपका जो ईमेल आईडी है एंड पासवर्ड है उसको आपको देना पड़ेगा। लेकिन जहां पर ब्रांड अकाउंट के लिए क्या हो सकता है, आप इजीली किसी को भी इनवाइट कर सकते हो एंड उसका स्पेसिफिक रोल दे सकते हो कि वो सिर्फ इसको एडिट कर सकता है, वो सिर्फ मतलब कमेंट कर सकता है। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलके एक यूट्यूब चैनल को चलाते हैं, तो उस टाइम आप हर किसी को अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड नहीं दे सकते हो। तब क्या करना पड़ता है, तब आपका बात आता है ब्रांड अकाउंट पे। ब्रांड अकाउंट पे आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी बंदे को इनवाइट कर सकते हो, उसका स्पेसिफिक रोल असाइन कर सकते हो, वो उसका खुद का ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से आपका जो चैनल है उसको एक्सेस कर सकता है। हाँ दोस्तों, और आप चाहे तो किसी और को ओनर भी बना सकते हो, उसके पास आपके ही जैसा एक्सेस लेवल रह सकता है। तो ये सिंपल बात है ब्रांड अकाउंट का, मतलब ब्रांड अकाउंट से आप बहुत सारे एम्प्लॉयज को रख सकते हो जो पर्सनल अकाउंट में मुमकिन नहीं है। और भी एक चीज के लिए ब्रांड अकाउंट की जरूरत होता है, वो है आप जो ईमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल खोले हो वो आप बाद में चाहे तो चेंज कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आप एक ईमेल आईडी से और एक ईमेल आईडी में कैसे आपका चैनल मूव कराओगे वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हाँ दोस्तों, आपका अगर ब्रांड अकाउंट होगा तो ही आप और एक ईमेल आईडी पे आपका चैनल मूव कर सकते हो, इसके लिए ब्रांड अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ब्रांड अकाउंट नहीं है, पर्सनल अकाउंट है, फिर भी आप पर्सनल अकाउंट से भी ब्रांड अकाउंट में आपका यूट्यूब का जो चैनल है उसको मूव कर सकते हो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आता है वो मैं अंत में बताऊंगा। तो दोस्तों बहुत सारे मिथ्स ऑलरेडी इंटरनेट पे फैला हुआ है जो ब्रांड अकाउंट है उसको लेके, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। आपके पास बहुत सारे इंटरनेट पेजेस में या फिर ब्लॉग्स में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर बताया हुआ है लाइक इफ यू आर हैविंग एनी कॉपीराइटेड क्लेम्स इन योर पर्सनल अकाउंट, इफ यू आर गोइंग टू मूव टू ब्रांड अकाउंट देन वहाँ पर वो लागू नहीं होगा। ये सच नहीं है दोस्तों, वहाँ पर भी ये क्लेम्स लागू होगा। यहाँ पर थोड़ी एक ही डिफरेंसेस है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। दोस्तों और एक मेजर डिफरेंसेस है बिटवीन पर्सनल अकाउंट एंड ब्रांडेड अकाउंट, वो है आप देख सकते हो कि पर्सनल अकाउंट जब क्रिएट करते हैं तब दो नेम वहां पर रिक्वायर्ड होता है, एक होता है फर्स्ट नेम एक होता है लास्ट नेम, मतलब आप दो वर्ड से ज्यादा नेम नहीं दे सकते हो। लेकिन ब्रांडेड अकाउंट पे आप दो से भी ज्यादा वर्ड यूज कर सकते हो। दोस्तों ये था पूरा डिफरेंसेस बिटवीन पर्सनल अकाउंट एंड ब्रांडेड अकाउंट। अब किसी ने मान लिया कि इसको मूव करने, मतलब पर्सनल अकाउंट से हम
चाहे तो ब्रांडेड अकाउंट में मूव हो सकता है, लेकिन वहाँ पे कौन सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा ये मैं बताने वाला हूँ। इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप आपका चैनल पर्सनल अकाउंट से आपका जो ब्रांडेड अकाउंट है वहाँ पर मूव कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। वो क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू लूज योर वीडियोज या फिर सब्सक्राइबर या फिर जो कमेंट्स है, कुछ भी लूज नहीं करोगे। तो क्या लूज करोगे? आपका जो कस्टम URL है वो आप लूज कर जाओगे। आपको फिर 30 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक कस्टम चैनल के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ यही एक नुकसान है, मतलब आप जब पर्सनल अकाउंट से आपका जो ब्रांडेड अकाउंट है वहां पर आपका चैनल मूव कराओगे। तो इफ दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।